हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। है मर लेंदी है, तो चलिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में सिंपल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इतना क्लब ऑफ मेम्बर जो कि हर एक मेम्बर 10 रुपीज़ पे कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग करेंट आउटस्टैंडिंग निकालेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 450 जो कि आर स्टिल इन एरियर 2013 से 2014, तो ये स्टिल इन एरियर है, इतना पैसा नहीं दिया गया है, तो इसको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग में हम लोग को प्लस कर देना है 400 प्लस 500। एंड फिर लाइफ मेंबरशिप फी, एंड हाँ यहाँ पे एक देखिए बात ध्यान देने वाला है, यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ईच 30,000 ईच, तो स्पोर्ट्स फंड भी 30,000 है एंड स्पोर्ट्स 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट भी 30,000 है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये दोनों आइटम 30,000 है एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बस और बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए हम लोग, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो कि 500 रुपये दिया और स्टिल इन एरियर 450 था, तो हम लोग प्लस करके लिखे कैश बैलेंस फर्नीचर दिया हुआ था एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट जो मैं बताई 30,000 था एंड स्पोर्ट्स फंड वो भी 30,000 है, तो यहाँ से हम लोग कैपिटल फंड निकाल लिए। ये ईजी था। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलिए देखते हैं। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बहुत इजी था भाई, के लिए मैं पहले से बना ली हूँ सब्सक्रिप्शन जो कि दिया हुआ है प्रीवियस ईयर वहाँ बुक में हम लोग का दिया हुआ है 500 एंड एडवांस ईयर करेंट का 1,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग इसको प्लस किए माइनस किए तो इतना आया, उसमें से इतना मेंबर जो हर एक मेंबर 10 रुपीज़ पे कर रहा है उसको इंटू किए तो 16,000 आया। 16,000 में 15,000 को माइनस किए तो 1,000 यही निकालना था करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 निकल गया। फिर सेल ऑफ स्क्रैप एंड 200 रुपये दिया हुआ था, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जो कि 700, अभी मैं बताती हूँ कैसे निकला। एंड सेंट्री एक्सपेंस डेप्रिसिएशन कैसे निकला, देखिए पहले डेप्रिसिएशन का मैं यहाँ पे वर्किंग की हूँ। देखिए बुक में फर्नीचर 2 जगह दिया हुआ है, पहला फर्नीचर दिया हुआ है, ये फर्नीचर सिंपल डेप्रिसिएशन से निकल जाएगा, मगर ये फर्नीचर को निकालने के लिए हम लोग को मंथ भी काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ 2 बार डेप्रिसिएशन निकलेगा, पहले हम स्पोर्ट्स फंड जो कि 30,000 दिया हुआ है उसमें 10% का डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उसको इंटू किया तो 3,000 आया। 3,000 में 2,000 देखिए इसलिए माइनस किए क्योंकि 30,000 तो यहाँ पे दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट का, उसका 10% निकालना था, उसको निकाले 10%, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 2,000 रुपये दिया हुआ है तो 3,000 में हम लोग 2,000 रुपये माइनस किए तो 1,000 इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड हम लोग का 1,000 है। एंड उसके बाद अभी ये हो गया क्लियर। अब डिप्रिसिएशन हमने निकाले फर्नीचर का, 2 बार निकलेगा, पहला जो कि 2,000 दिया हुआ है नीचे में एडिशनल में जो कि बस उसका 20% निकाले जो कि 400 आया एंड जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 3,000 दिया हुआ है उसका भी 20% निकाले, मगर उसमें देखिए अक्टूबर लिखा हुआ है मतलब मंथ हम लोग काउंट करके निकाले जो कि 300 आया, तो फिर 300 + 400 इक्वल्स टू 700, तो डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 700 आया, तो वही डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर को हम लोग एक्सपेंडिचर के साइड यहाँ पे लिखे 700। फिर सैलरी एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ज़्यादा कैसे अमाउंट था, यहाँ पे डेबिट ज़्यादा था क्रेडिट कम था, वही के लिए हम लोग डिफिशिएट करके बैलेंस फिगर इधर 700 दिखा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी देखिए बहुत ही ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 एंड स्टिल इन एरिया 450 है, ये क्रॉस हो गया, फिर दोनों को हम लोग प्लस किए क्योंकि स्टिल इन एरिया प्लस होता है तो 1,450 आया। एंड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड जो कि अभी मैं बताई थी 3,000 माइनस के वही के लिए यहाँ पे 1,000 आया। फर्नीचर 2,000 रुपये का था जो कि परचेज किया गया 3,000 में तो प्लस हुआ 5,000। डिप्रिसिएशन जो भी हम लोग 700 निकाले तो यहाँ पे 4,300 आया। एंड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड कैश बैलेंस इधर का सारा अमाउंट समझ में आ गया। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फी भी दिया हुआ है एंड स्पोर्ट्स फंड 30,000 रुपये दिया हुआ है, उसमें से हमने स्पोर्ट्स एक्सपेंस माइनस किए जो कि एक्सपेंडिचर के साइड दिया हुआ है उसको हमने माइनस किए तो इतना आया। फिर स्पोर्ट्स फंड प्लस किए जो कि बुक में दिया हुआ है रिसिप्ट के साइड, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड जो कि अभी हम लोग निकाले 1,000 रुपये उसको प्लस किए तो हम लोग का 30,500 आया। फिर कैपिटल फंड जो कि निकला हुआ था एंड सरप्लस ये डेफिशिएट है, सॉरी
कैपिटल फंड डिफिशिट था भाई, के लिए माइनस किए सरप्लस होता तो प्लस करते, तो यहाँ माइनस किए तो हम लोग का 7250 आया और ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट का बैलेंस मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही सिंपल था एंड ईजी तरीके से बन गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में भी सिंपल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है ये सब, बस डिप्रिशिएशन सब में चार्ज करना है, बस बहुत ईजी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 37 में बनाते हैं। पहले हम लोग कैश बैलेंस जो कि दिया आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरीज एंड प्रीपेड वेजेस इसलिए लिखे क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का आइटम था, एक लायबिलिटी साइड लिखा है एंड कैपिटल फंड हमने यहाँ पे निकाल दी, प्लस करके माइनस किए एसेट्स में लायबिलिटी माइनस किए तो कैपिटल फंड निकल गया। एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बहुत ही सिंपल, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था उसमें आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का जो कि आप जानते हैं, फिर डोनेशन एंड एडमिशन फी, फिर सैलरी जो कि प्रीवियस ईयर का दिया वही हमने माइनस की एंड वेजेस जिसमें प्रीपेड वेजेस है वही प्लस हुआ, रेंट टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस हॉनोरियम डिप्रिशिएशन इन इक्विपमेंट डिप्रिशिएशन बिल्डिंग डिप्रिशिएशन मशीनरी, डिप्रिशिएशन निकालना आप जानते हैं सब में दिया 5% 10% और उसके बाद हम लोग पूरा अमाउंट को प्लस किए तो हम लोग का आया 1,96,100 में हम लोग माइनस किए एक्सपेंडिचर का आइटम तो हम लोग का सरप्लस आया 57,200। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट देखिए, ये भी बहुत ये ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर 36 है। सब्सक्रिप्शन कैश बैलेंस इक्विपमेंट इसमें डिप्रिशिएशन बिल्डिंग इसमें डिप्रिशिएशन मशीनरीज इसमें भी डिप्रिशिएशन इन फर्नीचर और लास्ट में जो कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस की तो हम लोग का आंसर आ गया 3,02,700। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैच कर गया। तो क्वेश्चन